अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और एक बात आप सभी से बता दें, यदि आपको लग रहा है कि आप अच्छा अंक बीएसएससी सीजीएल में ला सकते हैं तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। टेंशन इसलिए नहीं लें कि जो विद्यार्थी ईडीट के लिए बार बार बोल दे रहे हैं, तो लास्ट बार मैं ये प्रयास कर रहा हूं, इसके बाद क्योंकि कोई सहयोग मुझे नहीं मिला है, ना ही किसी यूट्यूबर के द्वारा और ना ही स्टूडेंट के द्वारा, तो एक व्यक्ति से ये संभव नहीं हो पा रहा है, मुझे संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि अब मेरे से लग रहा है नहीं हो पाएगा। मैं पूरा प्रयास किया, मैं डेली प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं दिख रहा है। सभी लोग मेरे पास जो कॉल करते हैं, स्टूडेंट को छोड़कर बाकी लोग कॉल करते हैं, तो मुझे ही कुछ बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये सब लेकर। तो अब मैं परेशान हो चुका हूं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, आप सबसे मैं माफी चाहता हूं। एक बात और मैं बता दूं कि यदि आपको लग रहा है कि एडिट में आप कहीं गलती किए हैं, कहीं फॉर्म भरने में गलती किए हैं, यदि कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई समस्या नहीं। आप यदि मान लीजिए एमबीसी है और वहां बीसी भर दिए, तो दो चार पांच सात अंकों का अंतर रहेगा, उसके लिए आप तैयारी अच्छा से कर लेंगे। लास्ट के समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में जब आप करिएगा, उस समय व्यवस्था हो सकता है, मान्य होगा नहीं मान्य होगा वो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन आप कहीं थोड़ा बहुत गलती किए तो उसके लिए कोर्ट का एफिडेविट मान्य होता है, ये 100% है। लेकिन कोई विद्यार्थी जात धर्म मजहब में गलती कर दिया तो ये समस्या होता है, ये मान्य नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ अगर हमें गलत किया है तो इस पर क्या होगा, कैसे होगा, क्या एक्शन लेती है, वो बात की बात है। लेकिन आपके द्वारा उस तरीका से कुछ विद्यार्थी के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया, लेकिन लाखों लाख की समस्या है, फिर भी हजार व्यूज क्यों, लाखों लाख की समस्या है, लाखों लाख का कोर्स बिक गया है, लेकिन कोई शिक्षक या कोई बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग पहले बनाए थे, बहुत लोग प्रयास किया था, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन उस कदर प्रयास नहीं हुआ जिसके कारण एडिट का ऑप्शन नहीं मिला, जिसके कारण कोई ये एक मीडिया चैनल में नहीं आ पाया, बड़ा बड़ा चैनल पर नहीं आ पाया, जिसके कारण नहीं मिला। क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी गए, छात्र नेता दिलीप कुमार ने गया और एप्लीकेशन कई बार उन्होंने दिया, मैं भी गया, मैं भी एप्लीकेशन दिया, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मुझे अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इतना निराश क्यों हूं। तो निराश का कारण आप सब हैं, क्योंकि सहयोग मुझे उस तरीका से नहीं मिल रहा है जिस तरीका से सहयोग मिलना चाहिए। यदि आप बोलते हैं कि 4 लाख विद्यार्थी हैं, 2 लाख विद्यार्थी हैं, 1.5 लाख विद्यार्थी हैं, लेकिन है कहां वो विद्यार्थी, उनको कौन ऐसा बोल रहा है कि एडिट मिल जाएगा तो उनको दिक्कत होगा, नहीं मिलेगा तो वो आगे हो जाएंगे। ये सब बातों से मैं अब बोल रहा हूं कि मेरा ये अंतिम प्रयास है, आप लोग अच्छा से अगर सहयोग करते तो जरूर मिलता। सभी लोग जानते हैं कि बिना सहयोग के कुछ नहीं होगा। एक YouTube पर यदि वीडियो बनाने से मेरे से हो जाता तो मैं डेली बनाकर आपका काम कर देता। आप देखते होगा मैं कई शिक्षक का इंटरव्यू लिया भी एडिट के ऑप्शन को लेकर, बहुत मैं प्रयास किया लेकिन उस तरीका से मैं सफल नहीं हो पाया। अब बोलिएगा कि बड़े बड़े शिक्षक के पास आप क्यों नहीं गए, तो बड़े बड़े शिक्षक के पास मैं जाता था तो वो लोग व्यूज देखकर बोलते थे बाबू इससे कुछ नहीं होगा, एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आयोग नहीं देगी। वो लोग समझते थे कि कोई भी मूवमेंट होता है या कोई भी होता है तो उसके लिए देखा जाता है कि इसमें कितने व्यक्ति को लाभ है, कितने पब्लिक इससे नुकसान में है, या किस व्यक्ति को इससे हानि होगा, किसको लाभ होगा, तो उस तरीका से लाभ हानि किसी को नहीं दिखाया गया। 1000 1500 2000 व्यूज से या 5000 व्यूज से, यानी 2000 बच्चे हैं तो वो तो अपना एफिडेविट दे देंगे, कुछ कर लेंगे या छट भी जाएंगे तो उनसे कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग उस तरीका से एक्शन नहीं किए, उस तरीका से बात नहीं दिखाए, या मेरे में कमी रही होगी, मैं ये भी मान रहा हूं, मैं अपने आप में भी कमी मान रहा हूं कि मैं उस तरीका से कहीं प्रयास नहीं किया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट प्रयास किए, बहुत सारे शिक्षक भी शुरू में प्रयास किए, लेकिन उस तरीका से कुछ अभी तक नहीं मिला है। आगे भविष्य में यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, हम देखेंगे। यदि आप लोगों का रुझान सही रहा तो मैं जरूर प्रयास करूंगा और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, आज भी हूं, आगे होगी भी हूं और आने वाला समय में भी रहूंगा। लेकिन आप सब यदि सहयोग करते तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, एडिट का ऑप्शन बहुत छोटा चीज है। इतना लोग फॉर्म गिराए फिर भी यदि ठीक है आपका गलती नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आप शेयर नहीं कर देते। आपका सही हुआ है इसका मतलब क्या हुआ आप शेयर कर दीजिए, तो कोई गलती होगा, किसी विद्यार्थी का तो गलती हुआ है, वह आपके अगल बगल के तो विद्यार्थी हैं, वह तो बेरोजगार है, बेरोजगारों की क्या जात होती है, सभी लोग एक होते हैं। स्टूडेंट का एक जात होता है, एक धर्म होता है, एक मजहब होता है, स्टूडेंट का बस स्टूडेंट जात है, उसमें यह नहीं है कि ये जात वो जात। आप लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई उस तरह का सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण से मुझे लग रहा है अभी तक जो है वर्तमान परिस्थिति में इस टाइम तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि एडिट का ऑप्शन मिल जाए। अब आगे देखिए क्या होगा, मैं अभी भी प्रयासरत हूं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि मिल जाए, मैं अभी भी प्रयास करूंगा कि अच्छे अच्छे
शिक्षक आए वीडियो बनाए, अच्छे अच्छे यूट्यूबर आए वीडियो बनाए। क्योंकि देखिए अभी वर्तमान समय जो चल रहा है आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया का जमाना है। यदि आप फेसबुक पर शेयर करते, इंस्टा पर शेयर करते, सभी लोग आपके दुख दर्द को समझता, तो बहुत सारे चैनल हैं जो आपके पास आते, जो आपके मुद्दा को उठाते, जो आपको देखते कि हाँ इस पर ज्यादा व्यू जा रहा है, ज्यादा लोग इसे प्रभावित है, तो लोग आपके साथ आते। आप देखे कदम से कदम मिला के चला गया तो रेलवे में सफलता मिली आपको, कदम से कदम हर समय चला गया तो बीएससी इंटर लेवल पर सफलता मिली, कदम से कदम मिलाकर अगर इस पर भी चला गया रहता तो इसको भी आयोग को जरूर एडिट का ऑप्शन देता। क्योंकि आप बताइए तर्क आपका गलत कहां है, यदि आयोग से कोई गलती हो जाए, यदि कोई प्रशासन से गलती हो जाए, यदि कोई बड़े बड़े अधिकारी से गलती हो जाए तो उसके लिए शुद्धि पत्र निकाल दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट से जो गलती हो जाए उसके लिए कोई शुद्धि पत्र नहीं है, स्टूडेंट से कोई गलती हो जाए उसके लिए कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। आप मैं कल या अकल देखिएगा, मैं एक कंप्यूटर वाले व्यक्ति का इंटरव्यू इसलिए लिया ताकि उनको कंप्यूटर में नॉलेज है वो बताएंगे। तो ऐसा भी होता है, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि जब आप देखिएगा साइट काम नहीं करेगा तो आप यहां फिर कुछ करिएगा वहां कुछ लिखा जाएगा। कभी कभी आप देखिएगा आज यही सब समस्या हुआ। ऐसा नहीं है कि सब लोग जानबूझकर गलती किए, कोई जानबूझकर गलती नहीं करता है। तो यदि एडिट का ऑप्शन अभी से भी मिल जाता तो मैं आयोग से विनती करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से विनती करूंगा और शिक्षा मंत्री से विनती करूंगा कि एडिट का ऑप्शन दे दिया जाए। चूंकि विद्यार्थी बार बार इस पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग प्रयास करें। ये मैं सोच रहा हूं यदि इस पर उस तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं हुआ, तो इसके बाद अब हम लोग तैयारी के तरफ लग जाएंगे। क्योंकि आप देखते हुए आप लोगों के साथ रहने के कारण, आप लोग प्रयास करने के कारण अभी YouTube पर कुछ नहीं डाला जा रहा था। अभी विद्यार्थी का जब मैं वीडियो कुछ डालता था तो ये लोग केवल कमेंट करते थे सर एडिट के लिए, सर एडिट के लिए, सर एडिट के लिए। तो आपसे बता दें एडिट के लिए तो मैं बार बार प्रयास किया, अब बताइए उस तरह का रुझान नहीं मिला तो मैं क्या करूं। मेरे करने से यदि केवल हो जाता तो मैं डेली करूंगा प्रयास एडिट का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो आप इस बार यदि करते हैं थोड़ा सा इस बार एक सहयोग कर दें, एक बार सहयोग कर दें, कहीं अभी से अंतरात्मा जग जाए किसी का, कहीं सभी शिक्षक आ जाए। मैं तो ये भी कहता हूं कि आप जहां पढ़ते हैं वहां बोलिए, YouTube पर जहां करंट देखते हैं उनको कमेंट कीजिए सर एडिट के लिए, प्लीज एडिट के लिए, ये सब सच कीजिए। कहीं वो देखे कमेंट, शिक्षक को लगे कि बनाना चाहिए, एक साथ यदि केवल 10-20 अच्छे अच्छे शिक्षक आ जाए, बड़े बड़े शिक्षक आ जाए, तो एडिट का ऑप्शन देना पड़ जाएगा। लेकिन अब जो समय है वह बीतते जा रहा है, आज देख लिए आप लोग इस तरीका से बीतते चला जाएगा। तो आप अपने तैयारी में लग जाए और तैयारी अच्छा से करें। यदि कोई आप गलत भर दिए हैं, आप जनरल में आ जा रहे हैं तो जनरल के अनुसार तैयारी करें। यदि आप एमबीसी बीसी वगैरह गलत भरे हैं तो थोड़ा सा अच्छा से तैयारी करेंगे तो कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक अंक के लिए महत्वपूर्ण होता है, एक एक अंक जरूरी होता है। यदि आपका 5 अंक कट ऑफ कम जाता तो आपका 100% पॉसिबिलिटी रहता। तो इन सब चीजों को लेकर मैं प्रयास कर रहा था, आप लोगों से भी प्रयास करने के लिए बोल रहा था, लेकिन प्रयास सफल नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं आप सबसे एक बार कहूंगा कि एक बार सहयोग करें, यदि सफल हो जाता है तो आपका लाइफ बदलेगा, सफल नहीं होगा तो आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। लाइफ तो बदलेगा ही, मेहनत के आगे सब कुछ झुक जाएगी, इस बात को आप समझे। यदि डेली कोई काम करते हैं 7 दिन तक करते हैं तो वो देखिए आपका आदत बन जाएगा, वो आपके लिए एक लत लग जाएगा। अगर 21 दिन तक उसको पुगा देते हैं तो जब तक आपका नौकरी फाइनल नहीं हुआ तब तक वह रूटीन आपका लत हो जाएगा। और मैं एक बात आपसे बार बार बताता हूं कि यदि आप ये बात चाहते हैं, बाहर रहते हैं, घर पर रहते हैं, कहीं रहते हैं, कि मैं 2 से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 10, इस तरीका से रूटीन नहीं बनाइए। आप एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल ये रखिए कि मुझे मैथ्स 2 घंटा पढ़ना है, मुझे रीजनिंग 3 घंटा पढ़ना है, मुझे जीके जीएस 4 घंटा पढ़ना है, इस टाइप से बना लीजिए। मुझे करंट 5 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ना है, इस टाइप से जब आप बनाइएगा तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जब बनाइएगा कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ेंगे, वह सब पूरा नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी करके देखे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी से मैं डेली मिलता हूं, उनका सब कुछ मैं देखता हूं कि किस तरीका का उनका तैयारी का रणनीति रहा, किस तरीका से रूटीन बनाए, किस तरीका से टाइम टेबल फॉलो किए, किस तरीका से उन्होंने तैयारी करके अंतिम मुकाम को प्राप्त किए। तो इसलिए आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप पहली बार हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एग्जाम टूर चैनल है आपका है, ये चैनल आपके साथ हमेशा है, आपके लिए ही काम करता है, आगे भी करेगा, आने वाला समय में भी करेगा। तो आप जुड़े रहेंगे, बीएससी विद्यार्थी सीजीएल देख लें, और एक बार मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कहीं इस बार सबको अंतरात्मा जगे और सब लोग आ जाए और एडिट का ऑप्शन मिल जाए। जरूरी है एडिट का ऑप्शन, इस बात को समझे, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं एडिट के ऑप्शन के लिए क्या होगा,
उनको कितना भी समझाया जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, आप एफिडेविट लगा सकते हैं, आप 2-4-10 अंक अच्छा प्रयास करें, यदि फॉर्म आपका जनरल में भरा गया है तो कोई समस्या नहीं, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी बार बार कॉल कर रहे हैं, वह समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ये जब बैठ रहे हैं पढ़ने तो थोड़ा सा याद आ जा रहा है कि मैं तो यहाँ गलत कर दिया हूँ, कई फॉर्म चल जाएगा। और एक बात बता दूं, बैकग्राउंड को लेकर ज्यादा टेंशन न लें कि आपका फोटो का बैकग्राउंड ब्लू हो गया है, व्हाइट नहीं हुआ है, ये सब को लेकर उतना टेंशन नहीं है, वो स्कैन किया जाता है, लगभग का आ जाता है, इस पर टेंशन नहीं लेने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।